फ्रेंड्स, आज मैं केसर वाली मीठी सेवइयां बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक बड़े कप लिए हैं, 200 ग्राम के लगभग सेवइयां है। एक कच्चे वाली है, एक मार्केट में एक भुना हुआ भी आता है। एक कच्चे हैं तो इसको भुनना पड़ेगा, और जो रेडीमेड भुना हुआ था उसको आप नहीं भुने, वैसे ही डायरेक्ट बना लें। और इसके लिए फिर मैंने बादाम लिए हैं, काजू लिए हैं, थोड़ा पिस्ता है, और दो इलायची को मैंने कुचल लिए हैं हल्का सा, और थोड़ा सा पानी में मैंने सेफ्रॉन भिगो के रखे हैं केसर कलर के लिए। अगर आपके पास सेफ्रॉन नहीं हो तो आप फूड कलर भी डाल सकते हैं। दो बड़े चम्मच घी है, देसी घी, और आधा कप शक्कर लिए हैं। अगर आपको ज्यादा मीठा चाहिए तो आप ज्यादा शक्कर यूज कर सकते हैं, अगर आपको कम शक्कर चाहिए, ज्यादा मीठा पसंद नहीं है, तो आप इससे भी कम शक्कर ले सकते हैं। मीठी सेवइयां बनाना स्टार्ट करती हूँ। इस कढ़ाई को गर्म करके मैंने इसमें घी डाल देती हूँ। घी अच्छे से गर्म हो गए, मैं अब इसमें बादाम और काजू डाल के थोड़ा रोस्ट कर लेती हूँ फ्राई को हल्का ब्राउन। अभी ये ब्राउन हो गए हैं, ज्यादा ब्राउन नहीं करना है नहीं तो जल जाएगा, इसलिए मैंने हल्का सा ब्राउन कलर किया है जो देखने में अच्छा लगे। अब घी गरम है, इसमें मैं वर्मीसेली डाल के फ्राई कर लेती हूँ, इसको भी हल्का ब्राउन करना है। अब वर्मीसेली भी हल्का ब्राउन हो गया है, भुजा गया है, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। अभी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ब्राउन कलर का सुनहरा सुनहरा कलर देखने में अच्छा लगता है। अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, एक कप के बराबर है, डेढ़ कप डालना है, थोड़ा और डाल देता हूँ। मैं डेढ़ कप पानी डाल दिया, और इसको उबालना है, पानी और शक्कर दोनों साथ में डाल देना है, और इसको उबालना है अच्छे से, जब उबलेगा तब उसमें डालना है वर्मीसेली। अब ये उबलने लगे हैं शक्कर और पानी, मैं इसमें भुना हुआ वर्मीसेली डाल दिया। अब इसको गैस को मीडियम लो करके पकाना है। अभी इसको ढक के पकाना है 3-4 मिनट। अभी ये सेवइयां पक गए हैं, अब मैं इसमें जो केसर भिगो के रखी थी वो डाल देती हूँ, केसर वाली पानी केसर के साथ। अगर आपको फूड कलर यूज करना है तो फूड कलर डाले, केसर नहीं है तो। इसमें इलायची डाल देना है, अगर आपको इलायची पाउडर डालना है तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब ये सेवइयां तैयार हो गए हैं, अब इसमें बादाम और काजू जो फ्राई करके मैंने रखे थे उसको डाल दूंगी, बादाम पिस्ता भी। सब
सबको अच्छे से मिक्स कर देना है, गैस बंद कर देना है। अच्छे से ठंडे हो गए हैं, अब इसको सर्व कर देती हूँ। मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज आप लोग मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।